खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू, आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू, आई भला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ, क्या देख लिया, दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है। श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहाँ आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है, आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू, जैसे कुछ मंत्र पढ़ो चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो, कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल। वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे, हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना, क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना? नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं, यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहु पैसा आया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी